ठीक है, तो इधर पे मैंने स्केच सेलेक्ट किया। इजीली पहले क्या होता था, इधर पे स्केच नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, कस्टम कमांड करते थे, कंट्रोल वन दबा के इधर पे टाइप करते थे, फिर इधर पे एक ऑप्शन आ जाता था स्केच इन टास्क एनवायरमेंट। स्केच इन टास्क एनवायरमेंट को इधर पे ऊपर प्लेस कर देते थे, और हमेशा हम स्केच इन टास्क एनवायरमेंट यूज़ करते थे, जिससे डायरेक्टली हम कभी भी स्केच यूज़ करते थे तो डायरेक्टली वो 2D एनवायरमेंट में ऊपर होता था, ना कि 3D एनवायरमेंट में होता था, फिर हमें मोर में जाके ऊपर इन स्केच टास्क एनवायरमेंट करना पड़ता था। तो वैसा भी कुछ नहीं करना है इस लेटेस्ट रिलीज में, लेकिन अगर आप प्रायर टू इसके पहले वाले वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 1847 सीरीज, 12.02, 12, 11, तो उस तरह ही आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले कंट्रोल वन दबा के कस्टमाइज, तो इधर पे एक ऑप्शन आ जाता है नीचे कस्टमाइज का, कंट्रोल प्लस वन, इस पर क्लिक कर देना है, और इधर पे स्केच टाइप करना है। तो इधर पे आपका इधर पे जो खाली स्केच दिखा रहा है ना, इधर पे आएगा एक स्केच इन टास्क एनवायरमेंट, तो उसको क्लिक करके ड्रैग करके ऐसा प्लेस कर देना है। ओके, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर पे डिफॉल्ट ही जो स्केच है वो स्केच इन टास्क एनवायरमेंट में ओपन हो रहा है, तो इसके लिए कुछ इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, स्केच लिया, स्कैन एक्स वाई प्लेन पे सेलेक्ट करके डिफॉल्ट आ गया। पहले बार प्रोफाइल रहेगा तो कंटिन्यूस आपके लाइंस बनते जाएंगे। ओके, एंड आर्क बनाना है तो आपको इस तरह करके आप आर्क बना के ले सकते हैं। ओके, अभी जब मैंने स्केच कंप्लीट किया था, इधर पे एक नीचे ऑप्शन दिखा रहा है, स्केच नीड्स 12 कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स ये है कि इधर पे 12 पॉसिबल वेज में ये स्केचेस सब जगह मूव हो सकते हैं, इधर पे है सब मूव हो रहे हैं। तो यूजुअली डिफॉल्ट हम जब 3D मॉडल क्रिएट करना है तो हमको स्केच मूव करनी है, स्केच हमको फुल्ली कंस्ट्रेंट चाहिए, स्केच हैज़ टू बी फुल्ली कंस्ट्रेंट। उसके 2D में जब हमारा स्केचेस फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाएगा, उसके बाद ही हम आगे जाके 3D में जाके उस पर काम करेंगे। मैं अगर स्केच में 2D कंस्ट्रेंट रह जाते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स रह जाते हैं, तो प्रॉब्लम होगा कि आप जब भी आगे कुछ एडिटिंग कर रहे हो तो कंस्ट्रेंट्स के डायमेंशन कुछ चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पूरा 3D मॉडल चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन रहता है कि हम स्केच को फुली कंस्ट्रेंट कर दें और उसके आगे जाके ही उसको फिर 3D में रेंडर करें। इधर बॉक्स सेलेक्शन करके इसको मैंने पूरा डिलीट कर दिया। ये तो प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल से मैं एक सिंपल रेक्टेंगल बना था। ओके, स्केचिंग करने के टाइम कुछ कंस्ट्रेंट से डिफॉल्ट पकड़ लेता है। ओके, लाइक आप इधर पे ये देख सकते हो कि इधर पे एक हल्का छोटा सा हॉरिजॉन्टल बार है, वो इधर पे नहीं है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल बार आ गया, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है, इसके ऊपर डाला हुआ है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये नहीं है। तो इसको अगर करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और जैसे क्लिक करूँगा तो एक फ्लोटिंग विंडो आता है राइट साइड में। क्लिक करने के बाद लेकिन माउस को मुझे उधर ही रखना है, अगर मैंने क्लिक करने के बाद लाइन को क्लिक करने के बाद और माउस को ऐसा मूव कर दिया तो फ्लोटिंग विंडो नहीं आएगा। क्लिक करने के बाद माउस को उधर ही रखना है तो ही ये फ्लोटिंग विंडो आएगा। तो उधर पे कुछ कंस्ट्रेंट दिखा था जो पॉसिबल है, मीन्स लाइन के साथ जो कंस्ट्रेंट ये पॉसिबल है ये वही शो करेगा। हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, ये कॉन्स्टेंट एंगल देना है, समथिंग लाइक दैट। तो इधर पे मेरे को हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल किया, ये अपने आप इधर पे ये एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल बार बन के आ गया। स्केच में अभी भी ये चार कंस्ट्रेंट बता रहा है कि चार कंस्ट्रेंट चाहिए। कंस्ट्रेंट्स का ऑप्शन इधर पे ये है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स, इसका शॉर्टकट है सी। आप खाली डिफॉल्ट कीबोर्ड पे सी प्रेस कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा। यूजुअली हैबिट रखो कि स्केचिंग करते रहें कि आपका राइट हैंड, मोस्ट होपिंग के मोस्ट ऑफ द पीपल सब लोग राइट हैंडेड हो, तो राइट हैंड आपका माउस पे हो एंड लेफ्ट हैंड आपका कीबोर्ड पे हो, जहाँ पे समझो कंट्रोल ऑल्ट या थंब आपका स्पेस बार के पास हो, मिडल फिंगर एस्केप के पास हो। सो मतलब ये एक स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड वे है आपका हाथ का प्लेसमेंट रखने के लिए, जैसे आपको इजी होता है कि एक हाथ आपका कीबोर्ड पे, एक हाथ आपका माउस पे हो, इस तरह आप फास्ट थोड़ा काम कर सकते हो। सेकेंडली जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट के लिए मैं मिडल स्क्रोल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो स्क्रोलिंग करने के लिए जूम इन जूम आउट यूज़ करते हैं, और नॉर्मल बाकी कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए MB1 मीन्स माउस का फर्स्ट बटन। ओके, और लेफ्ट क्लिक, यू कैन से मैं लेफ्ट क्लिक यूज़ कर रहा हूँ। मॉडल बनाते टाइम आपका मॉडल ओरिएंट हो गया समथिंग लाइक दिस, कुछ आपको अभी वापस से स्केच व्यू में एकदम फ्रंट व्यू में लेके आना है कि जिस तरह एक्चुअली में था उस तरह दिखना चाहिए।
तो आप उसको वापस से बैठ कर रोटेट नहीं करते बैठे कि इस तरह करके ओके अभी सीधा आएगा अब सीधा आएगा, नहीं, राइट क्लिक करके इधर पे एक ऑप्शन है ओरिएंट व्यू टू स्केच, उसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F8। ओके आप उस पर क्लिक कर दो, पूरा वापस से स्क्रीन सामने आ जाएगा, आप कौन से भी व्यू में कहीं पर भी ऐसा छोड़ दो एंड राइट क्लिक ओरिएंट व्यू टू स्केच, इधर सामने आ गया। ओके इसको पैन करना है, इसको मेरे को मूव करना है, तो मिडल माउस एंड राइट क्लिक दोनों को साथ में दबा के मैं इसको ऐसा पैन कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को भी पूरा मूव कर सकता हूँ। ओके मिडल माउस एंड राइट क्लिक, एंड सिर्फ मिडल माउस दबाऊंगा तो मैं मॉडल को ओरिएंट कर सकता हूँ। 2D में हमें मॉडल को ओरिएंट करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में 3D में यूज़ होता है। ओके लेकिन साथ में बेसिक कंट्रोल्स आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह हमको माउस का इसमें कंट्रोल यूज़ करना है। ओके राइट क्लिक ओरिएंट व्यू टू स्केच, इधर पे बता रहा है स्केच नीड्स 4 कंस्ट्रेंट्स, तो 4 कंस्ट्रेंट्स क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले तो इधर इसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ अपने हिसाब से जितना मैं स्ट्रेच करते जा रहा हूँ उतना बढ़ते जा रहा है। तो इधर पे ऑप्शन है ऊपर रैपिड डायमेंशन, इसका शॉर्टकट है D। ओके रैपिड डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो इसमें डिफॉल्ट जो मेजरमेंट का मेथड रहता है वो इनफर्ड रहता है। इनफर्ड में क्या होगा कि आप जो चीज़ नेट इश्यूज़ की वजह से डिसकनेक्ट हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो इधर पे थे रैपिड डायमेंशंस, जिसका शॉर्टकट है D। ओके सो रैपिड डायमेंशन डिफॉल्ट इनफर्ड डिफॉल्ट मेजरमेंट मेथड होता है वो है मेथड। इसमें होता है कि जैसे मैंने लाइन सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि उसको हॉरिजॉन्टल में लेंथ देना है, वर्टिकल में लेंथ देना है, या दो लाइन सेलेक्ट किए तो एंगल देना है, सर्कल सेलेक्ट किया तो डायमीटर देना है, आर्क सेलेक्ट किया तो रेडियस देना है, वो कंप्यूटर अपने आप को डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है। खुद सेलेक्ट करके देना है तो इधर पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सा डायमेंशन देना है और वो हिसाब से हम लोग डायमेंशन दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इनफर्ड में रखता हूँ, इधर पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, मेथड ऐसा होता है कि हम ये फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट किया सेकेंड पॉइंट को सेलेक्ट किया एंड फिर सेलेक्शन के बाद माउस को मूव करके ये मेरा डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन को कहाँ प्लेस करना है, ऊपर प्लेस करना है नीचे प्लेस करना है, ऊपर प्लेस करके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं इधर पर डायमेंशन वैल्यू डाल सकता हूँ। ओके क्लिक करने के पहले ही हम डायमेंशन वैल्यू ट्राई करेंगे एंड सोचेंगे कि डायमेंशन आना चाहिए तो नहीं आएगा, आपको पहले डायमेंशन लाइन प्लेस करनी पड़ेगी ऊपर नीचे जहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद डायमेंशन वैल्यू डालने के बाद एंटर प्रेस कर देना, ये एक हो गया। इसको कैंसिल करने के लिए या क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अभी मैं वापस से साइड डायमेंशन भी दे सकता हूँ, ये पॉइंट क्लिक किया ये पॉइंट क्लिक किया एंड साइड वाइज। ओके क्लोज, मैंने डायमेंशन दे दिए, उसके बाद भी इधर पे दो कंस्ट्रेंट्स बता रहे हैं। ओके तो दो कंस्ट्रेंट्स बता रहा है ये है कि अगर इसको चेक करना है कि कंस्ट्रेंट्स कौन से बता रहा है, मैं रैपिड डायमेंशन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ब्राउनिश कलर हो जाता है, स्केच के कलर्स चेंज हो जाते हैं और इधर पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एरो मार्क्स दिखा रहे हैं। क्लोज कर दिया तो ये वैसे डार्क ग्रीन कलर में दिखा रहा है। सो इसका मूवमेंट अभी भी वाई एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है, मीन्स डायमेंशन देने के बाद भी पूरा एक्सपायर प्लेन पे मूव हो रहा है। इसका सेंटर से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका सेंटर से रिलेशन देना ज़रूरी है। अगर ये स्केच मेरे को एकदम एग्जैक्टली सेंटर में चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, रैपिड डायमेंशन में आया, ये लाइन सेलेक्ट किया, अभी पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये लाइन पे सेलेक्ट किया, बाय एक्सिस पे क्लिक किया एंड इधर पे
डायमेंशन 386 है, तो उसका क्या कर दिया मैंने, 600 का हाफ मेरे को 300 चाहिए, तो इधर पे मैं 300 डाल सकता हूँ। और हमेशा मेरे को सेंटर चाहिए तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ कि मैं इधर पे एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इधर पे एक वैल्यू दिया है P80, तो मैं इधर पे टाइप किया P18, ओके, इसको सिलेक्ट किया एंड इधर पे वैल्यू डाल दिया डिवाइड बाय 2, एंटर, ओके। सेम चीज़ इधर के लिए भी मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, एक्स एक्सेस सेलेक्ट किया एंड इधर पे P18 की जगह मैं यूज़ करूँगा ये वैल्यू P19, ओके, P19 डिवाइडेड बाय 2, एंटर, क्लोज। इधर पे वैल्यू मैं 600 का हाफ 300 डाल सकता था, 300 का हाफ 150 डाल सकता था, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि आगे चल के अगर मेरे को डायमेंशन कुछ भी चेंज करने हैं तो मेरे को डायमेंशन 4 बार नहीं चेंज करने पड़ेंगे, रेक्टेंगल हमेशा मेरा सेंटर में रहेगा। खाली यूज़ क्या करना है कि मेरे को 600 का अगर मेरे को इधर पे डायमेंशन चेंज करना है, मेरे को इसको 590 करना है, डबल क्लिक किया, इसको मैंने कर दिया 590, क्लोज। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इधर पे मैंने P18 का हाफ किया था, 590 का हाफ ये डायमेंशन हो गया। तो अगर मैंने इधर 300 डाला होता तो इधर पे भी वापस से मेरे को आके 295 करना पड़ता, तो उधर पे मेरा ये 2 स्टेप मेरा इजीली बच जाता है। तो इस तरह एक्सप्रेशंस को या एक्सप्रेशन जो पॉइंट्स होते हैं उसको यूज़ करके आप बेनिफिट ले सकते हो कि आपका एडिटिंग टाइम में या रीवर्क करने के टाइम पे वो आपका टाइम गैप काफ़ी कम हो जाएगा, और एग्जैक्टली एक में चेंज करोगे तो वो आपका बाद में भी चेंज होते जाएगा। ये हो गया, मैंने इधर पे इसको सेंटर में लाया। अगर मेरे को ये सेंटर में नहीं चाहिए था, इधर पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये स्केच को भी डिलीट, ये डायमेंशन को भी डिलीट करता हूँ। 2 कंस्ट्रेंट है, मेरे को कॉर्नर में चाहिए था एग्जैक्टली ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे, मीन्स ये ओरिजिन होना चाहिए था, ये पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए, 0.0 पे आना चाहिए। तो उसके लिए रैपिड डायमेंशन पे जाके भी कर सकता हूँ, ये लाइन सेलेक्ट किया, वाई एक्सिस सेलेक्ट किया एंड वैल्यू इधर पे आया, मैंने वैल्यू दे दिया 0। सेम थिंग ये लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, इधर पे आया और वैल्यू दे दिया 0। यूजुअली जब 2 कंस्ट्रेंट्स बाकी थे या 4 कंस्ट्रेंट्स बाकी थे, यू कैन तुम देख सकते थे कि मैं रैपिड डायमेंशन पे क्लिक करता था तो ये पूरा स्केच कॉफ़ी ब्राउन कलर में हो जाता था, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर मैं इस पर रैपिड डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि कलर चेंज, ये लाइटिश ग्रीन हो जाता है, अभी थोड़ा डार्क ग्रीन है, एंड जैसे रैपिड डायमेंशन क्लिक करा तो ये ऑलिव ग्रीन कलर्स में हो जाता है। तो मीन्स ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है, जहाँ पे भी आपका अगर एक कंस्ट्रेंट नहीं हुआ रहेगा तो उतना एरिया आपको डार्क ब्राउन कलर में दिखाएगा। तो उस तरह आपको पता चल सकता है ओके मेरा ये रीजन का कंस्ट्रेंट करना या ये रीजन पे जो डायमेंशन देना मेरा बाकी है, एंड इधर पे आपका ये स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया, ओके। ये तो प्रोफाइल से हमने सिंपल एक रेक्टेंगल बना के देखा था, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल डिलीट। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में इधर पे आपके पास 14 कंस्ट्रेंट्स आपको मिलते हैं, NX10 जो यूज़ कर रहे हैं उनको 12 कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे, NX10 11 से ये 2 कंस्ट्रेंट्स ऐड हुए थे, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सो उसके पहले जो भी यूज़ कर रहे होंगे तो उनको ये 2 ऑप्शंस नहीं मिलते। ये ऑप्शन से हमेशा हम लोग कमांड को रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करने के बाद ये रहेगा कि ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ हो जाता है, तो इसको ऑन कर देना है, ओके। इसको ऑन करना, ऑफ करना, उसका यूज़ कैसे करना है मल्टीपल से, वो भी एक साथ हम लोग देख के लेंगे। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है कोइंसिडेंट, ओके। अभी ये दोनों एंड पॉइंट्स ज्वाइन नहीं हो रहे, मेरे को ज्वाइन करना है, ओके। उसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज़ करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन जो है कोइंसिडेंट, या तो मैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट सी दबा के या ऊपर पे क्लिक करके ले सकता हूँ, या फिर जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन बताया था कि ये पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये पॉइंट पे क्लिक करता हूँ एंड मैं माउस को उधर ही पे रखा तो इधर पे फ्लोटिंग विंडो आ जाएगा। तो फ्लोटिंग विंडो से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, वर्टिकली अलाइन करना है या कोइंसिडेंट करना है, ओके। कोइंसिडेंट इधर पे कोइंसिडेंट पे मैं माउस लेके जाऊँगा तो एक शॉर्ट विंडो में आएगा जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बेसिक सा कि वो यूज़ क्यों होता है, कंस्ट्रेंट टू और मोर सेलेक्टेड वर्टाइसेस ऑफ पॉइंट्स टू बी कोइंसिडेंट, मींस कि लाइक कोई भी 2 पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसको कॉमन ओरिजिन का बना देगा, उसको कोइंसिडेंट कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एंड पॉइंट्स हो, सर्कल का सेंटर पॉइंट भी हो सकता है, लाइन का मिड पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है,
नॉट नेसेसरी कि कोई भी लाइन का एंड पॉइंट होना जरूरी नहीं, सर्कल का सेंटर पॉइंट भी हो सकता है, आर्क का एंड पॉइंट हो सकता है, आर्क का मिड पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट को हम दो पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको कॉमन ओरिजिन कर सकते हैं। सेम वे कोइंसिडेंट को, अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये लाइन सेलेक्ट किया था, वाई एक्सिस सेलेक्ट किया था और जीरो का वैल्यू दिया था, ये लाइन सेलेक्ट किया था, एक्सिस सेलेक्ट किया, जीरो दिया था, तो जाके ओरिजिन पे आया था। ज़रूरी नहीं है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट पे आए, कोइंसिडेंट सेलेक्टेड है, ये पॉइंट पे क्लिक किया। ऑटोमेटिक सेलेक्शन यूज़ करने का रीज़न क्या है कि अगर मैंने इसको रीसेट किया, फर्स्ट इसको क्लिक किया, ये अभी भी रेडी पे, अभी मुझे सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसके क्लिक करना पड़ेगा फिर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके क्लोज, कंट्रोल सेट करता हूँ मैं एंड ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में आया, अभी इसको ऑन कर देता हूँ। अभी जैसे मैं इस पॉइंट को क्लिक करूँगा, अपने आप वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे ऑन है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जैसे सेलेक्ट हुआ वो नीचे सेकेंड ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा कि सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करना है। एंड दिस वे ये हो गया, आपको इधर पे आके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको टैब दबाने की ज़रूरत नहीं है, या दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि सेकेंड पॉइंट पे आना है, और ऑटोमेटिकली फर्स्ट सिलेक्शन होगा तो सेकेंड सिलेक्शन के लिए आ जाएगा। सेकेंड सिलेक्शन ऑफ करके कभी यूज़ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट है, अगर ये चारों लाइन्स है, इन चारों लाइन्स को मुझे इक्वल करना है, लाइक इधर पे इक्वल कंस्ट्रेंट्स का ऑप्शन है, इक्वल है, ओके चारों को इक्वल करना है, तो ऑब्वियसली मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँगा फिर इसको सेलेक्ट करूँगा तो इक्वल हो जाएगा, फिर वापस इसको इसके साथ करना पड़ेगा, फिर उसको इसके साथ करना पड़ेगा, तो मेरे को चार बार स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, मेरे को एक ही बार में करना है। ऑटोमेटिक सिलेक्शन को ऑफ करूँगा मैं, इधर पे आया, इक्वल लाइन पे क्लिक किया, मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, तीन लाइन सेलेक्ट कर दी एक साथ, बाद में मैं नीचे वाले लाइन नीचे सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे मेरे को सेकंड सिलेक्शन करना है कि कौन सा लाइन के साथ इक्वल करना है, एंड इधर पे आने के बाद मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, इससे क्या होगा, ये तीनों लाइंस एक साथ इसके साथ इक्वल हो जाएगी, सिमल्टेनियसली चारों लाइन एक ही बार में इक्वल हो गई। सो इस तरह रहता है कि जब अगर मेरे को खाली दो चीज़ को कंस्ट्रेंट करना है तो फिर मैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑन करके यूज़ करूँगा, लेकिन जहाँ पे मेरी मल्टीपल चीज़ें, जहाँ पे मेरे को सबको एक साथ इक्वल करना है, तो वहाँ पे मैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ करके यूज़ कर सकता हूँ। अभी भी एक कंस्ट्रेंट मांग रहा है क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके रैपिड डायमेंशन। अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम ये पॉइंट से क्लिक कर रहे थे, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, दो बार क्लिक नहीं करना है आपको, अगर एक ही बार में सिलेक्शन करना है तो ईजी वे है कि मैंने लाइन के एंड पॉइंट एंड ये मिड पॉइंट स्नैप हो रहा है, ये दोनों के बीच में कर्सर को लेके जाओ, एंड तब रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है ना, तो लाइन पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ये लाइन पे क्लिक करूँगा एंड फिर डायमेंशन लाइन इस तरफ लेफ्ट साइड में प्लेस करना है, राइट साइड में प्लेस करना है, प्लेस करके फिर इधर पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ। सिंगल सिलेक्शन में आपका लाइन सेलेक्ट हो सकता है, कंडीशन ये है कि आपको रैपिड डायमेंशन में एंड पॉइंट के पास नहीं लेके जाना है, आप एंड पॉइंट के नज़दीक हो जाओगे तो पॉइंट खाली स्नैप करेगा तो पॉइंट सेलेक्ट होगा, मिडल पॉइंट के पास आ जाओगे तो मिडल पॉइंट स्नैप होगा। सो कर्सर को एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट के बीच में रखना है, तो आपका जब ये लाइन रेडिश कलर में हाईलाइट हो रहा है मीन्स आपका लाइन सेलेक्ट होगा, रेड कलर जब भी आ रहा है तो समझ जाना कि आपका जो रेडिश कलर में हाईलाइट हो रहा है सिलेक्शन वो चीज़ होगी, ना कि जो चीज़ येलो कलर में आ रही है वो, इधर पे जैसे येलो कलर ये बता रहा है कि वो येलो वो लाइन का एंड पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, इधर पे ये लाइन का एंड पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, सो वो चीज़ वो हाईलाइट कर रहा है। ओके लाइन पे क्लिक किया, इधर से हैंड प्लेस कर दिया, फाइन। ओके तो कॉन्सिडेंट हो गया आपका इक्वल लेंथ, ये लाइन मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में कोलिनियर। ओके ये लाइन सेलेक्ट किया, एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया, कोलिनियर। ओके ये पॉइंट मेरे को वाई एक्सिस पे चाहिए, तो ऑब्वियसली कोइंसिडेंट यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को वाई एक्सिस पे चाहिए कि वाई और एक्स एक्सिस पे साइमल्टेनियस नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पॉइंट ऑन कर्व, कंस्ट्रेंट द सेलेक्टेड वर्टेक्स और पॉइंट टू बी ऑन ए कर्व, मीन्स आप जो भी पॉइंट को सेलेक्ट करोगा
एंड ज्योमेट्री फंक्शन में नेसेसरी नहीं है कि आपको ये चीज़ पहले सेलेक्ट करनी है, बाद में ये सेलेक्ट करनी है, कोई रूल नहीं है, आप कोई भी चीज़ पहले सेलेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे और बाद में लाइन सेलेक्ट करोगे तो वो पॉइंट वो लाइन के ऊपर आ जाएगा, वो पॉइंट हमेशा लाइन पे रहेगा। ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, मैं बाहर से सेलेक्ट करता हूँ, इधर पे अगर मैंने माउस रखा और 3 सेकेंड वेट किया तो इधर पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्विक पिक। इसको अगर क्लिक कर देंगे तो इस तरह दिखा रहा है कि आपको स्केच वर्टिकल एक्सिस सेलेक्ट करना है या वाई एक्सिस सेलेक्ट करना है डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो मेरे को वर्टिकल एक्सिस सेलेक्ट करना है, यू कैन सी कि वो पॉइंट इधर पे आ गया एंड ये डॉटेड लाइंस वो सिग्निफाई कर रही है कि पॉइंट ऑन कर्व कंस्ट्रेंट है। अगर ये कंस्ट्रेंट मेरे को निकालना है तो इस पर राइट क्लिक करके इधर से डिलीट, कंस्ट्रेंट रिमूव हो जाएगा। ये सेम कंस्ट्रेंट फ्लोटिंग विंडो के अंदर भी कर सकते हैं। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, वाई एक्सिस पे क्लिक किया, सॉरी माउस मैंने मूव कर दिया था हल्का सा, पॉइंट पे क्लिक किया, वाई एक्सिस पे मूव किया एंड इधर पे देखो पॉइंट ऑन कर्व। क्योंकि मैंने एक पॉइंट और वाई एक्सिस सेलेक्ट किया तो इधर पे कंस्ट्रेंट्स में पॉसिबिलिटी एक ही है। फ्लोटिंग विंडो यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहती है कि अगर न्यू हो, एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली आपको पता है, लेकिन अगर न्यू यूजर्स है तो उनके लिए बेनिफिट होती है, आपको पता चल जाएगा कि एक ही पॉसिबल है कि पॉइंट ऑन कर्व कंस्ट्रेंट ही हो सकता है ये दो के साथ, और कोई कंस्ट्रेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल कंस्ट्रेंट होते हैं ये वही सजेस्ट करता है। तो इधर पे मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये पॉइंट ऑन कर्व हो गया, क्लियर है। अभी ये लाइन का मिड पॉइंट, दैट इज ये मिड पॉइंट स्नैप करना है। इधर पे ये स्नैपिंग पॉइंट्स पता कैसे चलते हैं कि कौन सा पॉइंट स्नैप करेगा, ये कौन सा पॉइंट नहीं स्नैप करेगा। तो इधर पे एक विंडो दिया हुआ स्नैप पॉइंट्स इधर पे, ओके। यूजुअली इसके पहले के एनएक्स वर्जन में क्या होता था कि ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स नहीं होता था कि ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होता था कि इस पर क्लिक करो ड्रॉप डाउन में आपको ये दिखाएगा, नहीं, ये एक एक इधर पे सारे डिस्प्ले होते थे ये रिबन पे, हर एक लाइक एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट, स्प्लाइन, डेफिनेट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंटर, आर्क सेंटर, क्वाड्रेंट पॉइंट्स, एग्जिस्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑन कर्व, ये सारे पॉइंट्स इधर एक 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 करके ऐसे डिस्प्ले होते थे। तो वो चीज़ इन लोगों ने काफ़ी क्लियर कर दी है, मीन्स लेआउट को क्लीन रखने के हिसाब से, एंड इधर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया। तो इस तरह इस पर दिखा रहा है कि कौन कौन से पॉइंट स्नैप होंगे, कौन कौन से पॉइंट स्नैप नहीं होंगे। इधर पे मिड पॉइंट का सिलेक्टेड है इसलिए मिड पॉइंट स्नैप हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना तो इधर देखो ये मिड पॉइंट को स्नैप नहीं कर रहा है, खाली लाइन सेलेक्ट हो रहा है। इधर पे मैंने इसको ऑन किया एंड इधर पे आया तो ये देखो मिड पॉइंट स्नैप हो रहा है। सो ये इधर पे कौन कौन सा चीज़ें सेलेक्टेड है ऑन है वो हिसाब से वो पॉइंट्स को स्नैप करेगा या पॉइंट्स को स्नैप नहीं करेगा। अभी मुझे ये चाहिए कि इसका मिड पॉइंट, ये लाइन का मिड पॉइंट सेंटर में रहे, ओरिजिन पे रहे। तो उसके लिए सिंपल है कि मैं मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ एंड इधर पे ओरिजिन पे आता हूँ एंड अभी मेरे को ओरिजिन एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है, ओरिजिन पॉइंट एक्स वाई का ओरिजिन पॉइंट स्नैप नहीं हो रहा है। तो इधर पे मैं रखूँगा माउस, 3 सेकेंड के लिए रखा तो अपने आप ये 3 डॉट्स आ गए। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा तो इधर पे मेरे को एक क्विक क्विक में विंडो दिखा रहा है कि कौन सारी चीज़ें पॉसिबल है सेलेक्ट करने के लिए, उसमें से क्या मुझे सेलेक्ट करना है, ओके। तो मुझे कोलिनियर कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करना है, नहीं, मुझे ओरिजिन सेलेक्ट करना है, यस, मेरे को सेलेक्ट ओरिजिन, इस तरह। तो मैंने सेलेक्ट ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, ओके। अभी सेलेक्ट ओरिजिन सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने माउस मूव कर दिया था, ओके। तो इसके लिए वो फ्लोटिंग विंडो नहीं है। इधर पे माउस वापस से रखा, स्केच ओरिजिन क्लिक किया, स्केच ओरिजिन सेलेक्ट किया क्विक विंडो से। उसके बाद मैंने इधर पे मिड पॉइंट पे क्लिक किया एंड इधर पे मेरे को ऑप्शन आ गया कोइंसिडेंट का, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का, वर्टिकल का। तो मैं जो कोइंसिडेंट कर रहा है, ओके। तो इस तरह इसका मिड पॉइंट ओरिजिन के सेंटर में आ गया। स्केच के 2 कंस्ट्रेंट अभी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका बेस का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है एंड हाइट नहीं दिया हुआ है, ओके। मैं इसको ये पॉइंट पे ये लाइन क्लिक करके एंड इधर पे इसको कर सकते हैं कि इक्वल लेंथ है, ओके। एंड उसके बाद को भी एक लेंथ का डायमेंशन दे सकते हैं, बेस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके उसके नीचे मैंने डायमेंशन दे दिया, ओके। स्केचेस फुली कंट्रोल, मैंने एक लाइन बनाई है
अभी एंगुलर डायमेंशन देना है। डायमेंशन में ये लाइन एक क्लिक किया, यूजुअली कितने दिन होते हैं कि अगर समझो सेंटर में वर्टिकल वाई एक्सिस से लाइन देनी, तो लाइन लेंगे वाई एक्सिस पे लाइन क्रिएट करेंगे एंड आफ्टर दैट रैपिड डायमेंशन में आके ये लाइन सेलेक्ट करेंगे वाई एक्सिस की लाइन सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद इसको एंगल देंगे। मेथड कुछ गलत नहीं है, करेक्ट है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये लाइन ज़रूरत नहीं थी, आपने खाली डायमेंशन देने के लिए ये लाइन बनाई है। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, राइट क्लिक करके इसको कर दोगे कन्वर्ट टू रेफरेंस, ओके, सो एक कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप बिना उसके एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हो। ये लाइन सेलेक्ट किए, वाई एक्सेस को सेलेक्ट करो एंड तो भी आप डायमेंशन दे सकते हो। इससे आपको एक्स्ट्रा लाइन्स आपके ज्योमेट्री में नहीं रहेंगे, तो जब आप स्केच फिनिश करोगे तो आपको कम दिखेगा या उसके ऊपर आपको और स्केचेस करने हैं, क्योंकि आपने इनिशियल फर्स्ट स्केच बना रहे हो तो स्केच बेसिक है, लेकिन आगे बढ़ते जाओगे तो आपके स्केचेस बढ़ते जाएंगे। तो जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो तो बेटर। ओके, मैंने 35 डिग्री का एक लाइन बनाया और एक लाइन बनाता हूँ मैं इधर पे, अभी लाइन को इसके साथ पैरेलल चाहिए, तो सिंपल है, ज्योमेट्रिक कंडीशन में आएंगे, इधर का ऑप्शन है पैरेलल, ये लाइन सेलेक्ट किए, ये लाइन सेलेक्ट किए एंड दिस इज पैरेलल, सिंपल। ये लाइन कहीं पे भी मूव हो रहा है, मेरे को लाइन का ओरिजिन एक्स एक्सिस पे ही चाहिए, सो मैं ज्योमेट्रिक कंडीशन में यूज़ करूँगा पॉइंट ऑन कर्व, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। ओके, एंड रैपिड डायमेंशन में दिस पॉइंट डायमेंशन देगी। ओके, एंड इसका लेंथ इक्वल है, इसका लेंथ भी दे दूंगा तो फुली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक लाइन बनाई, ओके, ये लाइन मुझे परपेंडिकुलर चाहिए टू दिस लाइन, सिंपल है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्ट में ऑप्शन है परपेंडिकुलर, ये लाइन पे क्लिक किया, ये लाइन को क्लिक किया एंड इट इज परपेंडिकुलर। ओके, लाइन क्रॉस बनाई, लाइन को मेरे को हॉरिजॉन्टल करना है, तो सिंपल है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में आए, इधर पे मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट किया, इसके किया ये इधर पे हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर ये लाइन मुझे वर्टिकल चाहिए होती तो इस पर मैं बाजू के ऑप्शन पे क्लिक करता वर्टिकल एंड इस पर क्लिक किया, ये लाइन वर्टिकल हो जाती। ये लाइन अगर मेरे को वाई एक्सिस पे चाहिए तो सिंपल ऑप्शन था क्या, कोलिनियर यूज़ करते थे, दिस लाइन एंड वाई एक्सिस कोलिनियर। ओके, ऊपर नीचे मूव हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए कि एक्स के नीचे जाए, तो कोइंसिडेंट और पॉइंट ऑन कर्व लाइक दिस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, तो इससे क्या होगा, एक्स के ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ड्रैग नहीं होगा, लेंथ दे दूंगा तो इधर पे फिक्स हो जाएगा। ओके, रेक्टेंगल्स बनाने के हमारे पास तीन मेथड है। सबसे फर्स्ट है टू पॉइंट्स, डायगनल पॉइंट्स बोल सकते हैं, एक पॉइंट को इधर पे क्लिक किया, डायगनली मैंने इधर पे इसको ट्रैक कर दिया, ये दो पॉइंट्स में बन गए। इधर पे फोर कंस्ट्रेंट बता रहा है, रैपिड डायमेंशन में है, इधर पे मैंने इसका इधर पे लेंथ दे दिया, इधर पे इसका ब्रेथ दे दिया। ओके, अभी इसको सेंटर में करना है, तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में इधर पे ऑप्शन आता है मिड पॉइंट। ओके, जो लास्ट टाइम इनिशियली जो फर्स्ट स्केच लिए थे तो कैसा मैंने इसका P18 डिवाइड बाई 2 किया था, P19 डिवाइड बाई 2 किया था, उसकी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से इधर पे मिड पॉइंट लाइन सेलेक्ट करना है, पॉइंट सेलेक्ट करना है, वो लाइन को ऑटोमेटिकली पॉइंट से बाइसेक्ट कर देगा। ये लाइन मैंने सेलेक्ट किया, कौन से पॉइंट से करना है, सेंटर पॉइंट से करना है। ओके, तो ये लाइन को सेंटर पॉइंट से इक्वली डिवाइड कर दिया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, हो गया मिड पॉइंट। तो ये है मिड पॉइंट, पॉइंट नेसेसरी नहीं है कि वर्टेक्स होना चाहिए, आर्क का सर्कल का सेंटर पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ओके, ध्यान रखना है कि लाइन सेलेक्ट करना है या पॉइंट सेलेक्ट करना है। यूजुअली गलती क्या होती है कि कितने बार लोग ये लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं और बाद में वाई एक्सिस सेलेक्ट करते हैं मिड पॉइंट करने के लिए, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। अगर आप लाइन का पहले से मिड पॉइंट सेलेक्ट करोगे एंड उसके बाद वाई एक्सिस सेलेक्ट करोगे तो आपको मिड पॉइंट नहीं करना है, आपको पॉइंट ऑन कर्व कर देना है, तो भी हो जाएगा। पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, इधर पे एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद पॉइंट ऑन कर्व कर दिया, तो भी मिड पॉइंट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप मिड पॉइंट को वाई एक्सिस पे ला रहे हो, वर्टिकल लाइन को मिड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे ला रहे हो। ओके ओके, कोइंसिडेंट हो गया, पॉइंट एंड कर्व हो गया, पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, मिड पॉइंट हो गया, कोलिनियर हो गया, एंड इक्वल लेंथ भी हो गया कि लेंथ को कैसे इक्वल करते हैं। एंड उसके बाद ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, वर्टिकल एलिमेंट, टेंजेंट, कोसेंट्रिक, इक्वल रेडियस। रेक्टेंगल में फर्स्ट मेथड है बाय डायगनल, टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट से लिखिए, क्लिक कर दिए, हो गया। सेकेंड मेथड है बाय थ्री पॉइंट्स, वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट। ओके, वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, स्ट्रेट में तो बन रहा है, एंगुलर में बनाना तो इसलिए भी यूज कर सकते हैं, वन पॉइंट एंगल में, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ओके कंट्रोल ए डिलीट। रेक्टेंगल का थर्ड मेथड है फ्रॉम सेंटर। यूजली अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया जैसे सपोज फ्रॉम बाय टू पॉइंट्स, तो ये कितने कंस्ट्रेंट मांग रहा है? चार कंस्ट्रेंट। ओके रेक्टेंगल में मैं अगर सेंटर पॉइंट से बनाता हूँ, सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, तो टोटल कितने कंस्ट्रेंट मांग रहा है? छः, चार तो इसके ऊपर के पहले ही मांग रहा था, एंड इसके एक्स्ट्रा खाली दो एक्स्ट्रा मांग रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर पे फ्रॉम सेंटर बनाता हूँ तो मिड पॉइंट लेके बन रहा है, सेंटर से मिड पॉइंट लेके बन रहा है, तो अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ साइड वाइज तो दोनों साइड सिमेट्रिकली बढ़ते जा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो भी सिमेट्रिकली बढ़ते जा रहा है। सो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम सेंटर। तो इसमें तुमको मिड पॉइंट की कंस्ट्रेंट देने नहीं है, खाली आपको डायमेंशन दे देना है, रैपिड डायमेंशन लेंथ, अपने आप को आपका फुली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ओके रेक्टेंगल हो गया। सर्कल के आपके दो मेथड है, एक तो बाय, मैंने सर्कल क्लिक किया तो इधर पे दो मेथड आ जाता है, एक फ्रॉम सेंटर एंड थर्ड इज बाय थ्री पॉइंट्स। सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, ड्रैग करो आपको कितना बड़ा चाहिए, या डायमीटर मेरे को जितना चाहिए, मैं डायमीटर वैल्यू अभी डाल दूंगा 100 डायमीटर, एंटर, तो वो 100 डायमीटर का बन गया। अभी इधर पे 100 डायमीटर का अगर मेरे को मल्टीपल्स बनाने हैं तो मैं क्लिक करते जाऊँ बनते जाएंगे, लेकिन अगर मेरे को दूसरा 120 का चाहिए तो इधर पे डायमेंशन खाली चेंज कर देना है 120, एंड नाउ इधर पे क्लिक कर दो, सॉरी 120, एंटर। एंटर मारना ज़रूरी है, अगर एंटर नहीं मारोगे, जब तक एंटर हम लोग नहीं मारते तब तक सॉफ्टवेयर को कमांड एक्सेप्ट नहीं करता। अभी देखो 120, अभी वापस मेरे को 150 का चाहिए, 150, एंटर, इधर क्लिक कर दिया 150। 200 का चाहिए, मैंने 200 क्लिक कर दिया, एंटर, एनअप। सो इस तरह मल्टीपल, बाद में डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, जब मैं सर्कल बना रहा हूँ वही टाइम पर मैं डायमेंशन देते हुए इसको सर्कल कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके मेरे को ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल नहीं चाहिए, डिलीट। ओके ये सारे सर्कल्स अलग अलग हैं, मेरे को इनको कॉमन सेंटर करना है, सबको ओरिजिन पे लेके आना है, तो सिंपल है, मैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में आऊँगा, इधर पे ऑप्शन है कोसेंट्रिक। ओके तो कंस्ट्रेंट टू और मोर सेलेक्टेड कर्व्स टू बी कोसेंट्रिक, मीन्स जितने भी सर्कल को या आर्क्स को सेलेक्ट करूँगा सबका कॉमन सेंटर हो जाएगा। डिफॉल्ट अभी क्या हो कि जब मैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि ये सब ब्राउनिश कलर में दिखा रहा है, मीन्स इनको कंस्ट्रेंट्स देना बाकी है, एंड ये लाइट ग्रीन कलर में, मीन्स ये फुली कंस्ट्रेंट्स है। तो अगर मैं अभी कोसेंट्रिक करूंगा तो सब ऑटोमेटिकली मूव होकर सेंटर में आएंगे। ओके क्योंकि ये फुली कंस्ट्रेंट्स है, इसका प्लेस चेंज नहीं होगा। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, कोसेंट्रिक, ऑटोमेटिक सिलेक्शन को ऑफ करता हूँ, एक, दो, तीन, तीनों सेलेक्ट किया, इधर पर क्लिक किया, फिर मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ओके सब एक के अंदर एक, के अंदर एक आ गए। ओके सेलेक्ट ऑल, डिलीट। सर्कल का दूसरा मेथड है बाय थ्री पॉइंट्स। बाय थ्री पॉइंट्स कब यूज होगा? मैंने एक सर्कल इधर पे बना दिया, ओके एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, ओके बाय थ्री पॉइंट्स, एक पॉइंट, दो पॉइंट, थ्री पॉइंट्स, तीनों को टेंजेंट चाहिए मेरे को। सो इस तरह थ्री पॉइंट्स हो गया।
अभी इधर पे नोटिस करो कि ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है. ओके, अगर मेरे को टेंजेंट करना है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में है, इधर पे ऑप्शन है टेंजेंट, इसको क्लिक किया, इधर क्लिक किया, सॉरी ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ था तो इसको फर्स्ट सिलेक्शन में ले लिया. रीसेट करता हूँ, ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ किया, टेंजेंट कंस्ट्रेंट, ये सेलेक्ट टेंजेंट. ओके, अभी ये क्या हुआ कि इधर पे टेंजेंट कंस्ट्रेंट तो किया लेकिन साथ में सर्कल को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, जो मेरे को सर्कल बाहर चाहिए था. ओके, इधर पे एक ऑप्शन आता है, ओके, अल्टरनेट सॉल्यूशंस. ओके, वो अल्टरनेट सॉल्यूशंस के डैमेज ऑप्शंस को मैं बाहर लेके रखूंगा. अल्टरनेट सॉल्यूशंस, अब इससे क्या होगा कि मैं सेलेक्ट करूंगा, ये सेलेक्ट किया, क्या हो गया, ये तो मैं बाहर दे दिया. सो इस तरह अल्टरनेट सॉल्यूशन से आप देख सकते हैं कि अंदर चाहिए बाहर चाहिए, तो आप सॉल्यूशन चेंज करके ले सकते हैं. ओके, कंस्ट्रेंट्स में टेंजेंट, ये इसके साथ टेंजेंट, ये इधर इसके साथ टेंजेंट, टेंजेंट का कंस्ट्रेंट आते जा रहा है, ये शॉर्ट लाइन जो बन रही है छोटी सी, वो टेंजेंट कंस्ट्रेंट्स को दिखा रही है, शो कर रही है कि वो टेंजेंट है. सेलेक्ट ऑल, डिलीट. सर्कल के तीन ऑप्शंस हो गए, लाइंस के ऑप्शंस हमने देखे हैं. लाइंस में प्रोफाइल से अलग है, लाइंस में क्या होगा, 1.2 पॉइंट्स बस खत्म, फिर वापस से 1.2 पॉइंट, 1.2 पॉइंट, इस तरह अलग अलग खाली दो पॉइंट्स. प्रोफाइल में होता था कि आपके कंटिन्यूस लाइन बनते जाते थे, आप जहाँ जहाँ पर पॉइंट्स क्लिक करते थे वहाँ पे बनते जाते थे, इसमें नहीं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट खत्म, वापस से आपको थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने के लिए एक नए पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा. ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में है टू इंसिडेंट, ये इसके साथ टच, ये इधर इसके साथ, एंड दिस वन टू दिस, फिर इसको वापस से आप फुल्ली कंस्ट्रेंट कर सकते हो, जैसे मैंने हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था, ये पॉइंट, वाई एक्सिस, कंटेंट कर्व, ये लाइन एंड ये लाइन, कोलिनियर, ओके, ये लाइन एंड ये लाइन, इक्वल लेंथ, ओके, सेंटर पॉइंट, इधर पे रुके, क्विक पिक सेलेक्ट किया, स्केच ओरिजिन, ओके, माउस को मूव कर दिया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में कोइंसिडेंट, ये पॉइंट एंड ओरिजिन पॉइंट, ओके, एंड खाली डायमेंशन दे देना है तो वो फुली कंस्ट्रेंट हो जाएगा. मल्टीपल सर्कल्स बनाए रैपिड डायमेंशन में, इन्फर्ट ही रखा है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ एंड बाहर ड्रैग किया तो आपको डायरेक्टली डायमेंशन आ गया, डायमीटर 300. अगर इसको डायमीटर मैंने मेरे को रेडियस में डायमेंशन देना है तो डबल क्लिक करके मैं इधर डायमीटर की जगह वैल्यू डाल सकता हूँ, रेडियस, रेडियम. सो अपने आप चेंज हो गया. ओके, सेम डायमेंशन तीनों को देने हैं तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में इक्वल रेडियस, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, एंड इसको, इसको, तो तीनों का रेडियस अभी 150 हो गया. सो टेंजेंट हो गया, कोसेंट्रिक हो गया, इक्वल रेडियस हो गया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. यूजुअली पहले क्या होता था कि अगर मेरे को ये दोनों लाइंस अलाइन करने हैं तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन बनाते थे इस तरह, उसको राइट क्लिक, कन्वर्ट टू रेफरेंस करते थे, फिर उसके बाद इसको कोइंसिडेंट करते थे और पॉइंट ऑन कर्व करते थे, फिर वो एक सेम लेवल पे आते थे. तो वो चीज़ें काफ़ी अपनी स्टेप ईजी हो जाती है. हम खाली इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये पॉइंट क्लिक किया, ये पॉइंट क्लिक किया, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया. वर्टिकल अलाइन करना है, ये पॉइंट क्लिक किया, मैंने ये पॉइंट क्लिक किया, ये वर्टिकली अलाइन हो गया. सिंपल, मेरे को लाइंस बना के इसको कन्वर्ट टू रेफरेंस करके पॉइंट ऑन कर्व या कोइंसिडेंट करने की जरूरत नहीं है. मैं कोई भी दो पॉइंट को, वर्टिसेस को डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइन कर सकता हूँ. सिंपल है कि अगर मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया, ओके,
एंड मेरे को इसका पॉइंट ये पॉइंट अलाइन चाहिए था, तो सिंपल वर्टिकल वर्टिकल अलाइनमेंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट हो गया सेम वे, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। तो मैंने खाली इसका अगर डायमेंशन दे दिया तो नीचे के उसके डायमेंशन भी हो जाएंगे। ओके डायमेंशंस इधर इसका लेंथ एंड लास्ट में फाइनली ये पूरा करने के बाद मेरे को ये एग्जैक्टली सेंटर में चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है कि मैं इसका मिड पॉइंट को वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑन कर्व कर सकता हूँ, और दूसरा इधर पे एक ऑप्शन हमारे पास होता है मेक सिमेट्री। ओके जिसको हम यूज़ करते हैं, मेक सिमेट्री पे क्लिक किया प्राइमरी ऑब्जेक्ट, तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया एंड सिमेट्रिक लाइन सेंटर कौन सा एक्सेस के सेंटर में चाहिए, तो मैं वाई एक्सेस था। ओके सो सिमेट्रिकली अलाइन हुए। ध्यान रखना कि मैंने इधर पे पॉइंट सेलेक्ट किया, आप आर्क भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब आर्क सेलेक्ट करो तो वो टाइम पे ध्यान रखना कि वेक्टर डायरेक्शन जो एरो मार्क्स आ रहा है वो दोनों का सेम साइड हो, नीचे साइड, ऐसा नहीं कि एक का नीचे एक साइड का ऊपर रहेगा तो काम नहीं करेगा। ओके कंट्रोल क्यू मैंने दबा दिया था तो फिनिश स्केच हो गया, तो उसको एडिट विद रूल बैक। कंट्रोल ए डिलीट। इसके बाद है आर्क्स, तो आर्क्स को बनाने के भी दो मेथड है, एक तो बाय थ्री पॉइंट्स, वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट एंड सेकंड इज फ्रॉम सेंटर पॉइंट, एक पॉइंट क्लिक किए एंड जिस तरह ड्रैग करके आप बना सकते हैं। ओके वन पॉइंट, टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट। आर्क का आप डायमेंशन देने जाओगे तो डिफॉल्ट वो डायमेंशन आप आर्क का रेडियस मिलेगा। ओके सर्कल का डिफॉल्ट डायमेंशन आप इनफॉल्ट रख के देने जाओगे तो वो डायमीटर मिलेगा। टेंजेंट फिर टेंजेंट इसके साथ, टेंजेंट इसके साथ। ओके सी कोइंसिडेंट ये पॉइंट टच। ओके और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम क्विक ट्रिम तो इधर पे आके ट्रिम कर सकते हैं, जो मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो इधर पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये पार्ट ट्रिम, ये पार्ट मेरे को नहीं चाहिए ये ट्रिम। ओके क्लियर है। सेम चीज़ मेरे पे इधर पे भी एक आर्क चाहिए, आर्क थ्री पॉइंट, वन टू थ्री, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। ओके आर्क पे क्लिक किया, ये आर्क क्लिक किया, टेंजेंट ये आर्क फ्लोटिंग विंडो के थ्रू टेंजेंट। ओके अभी ये यहाँ पे ही है तो मेरे को यहाँ तक टच करना है, तो एक्सटेंड में आ जाऊँगा, क्लिक एक्सटेंड हो गया, इस पर एक्सटेंड। सिंपल है, खाली आपको आर्क पे सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट एक्सटेंशन जहाँ तक इंटरसेक्शन उसे मिलेगा वहाँ तक वो जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा। क्विक ट्रिम, क्विक ट्रिम कंप्लीट। सेवन कंस्ट्रेंट्स, इसको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर देते हैं, ये एंड ये हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गया, इक्वल दिस इक्वल टू दिस एंड इसके बाद मेक सिमेट्री। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एंड इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा है, सेम वे इसका भी। इक्वल
this equal to this. Fully constrained. काफी सारे ऑप्शन इसमें रह गए हैं लाइक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं होपफुली किसी को इस पर डाउट नहीं है लेकिन आगे और भी कराना है फिलेट चेम्फर ऑफसेट पैटर्न मिरर कॉर्नर फिर इसमें कुछ ऑप्शन हैं जो इंटरसेक्शन कर्व इंटरसेक्शन पॉइंट ओके कंट्रोल है इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड होपफुली आज का सेशन हम लोग कंस्ट्रेंट्स पे कंप्लीट करते हैं बाकी का जो चीज़ फिलेट चैम्फर ऑफसेट पैटर्न मिरर एंड टू डी सिंक्रोनाइज़ के जो कुछ ऑप्शंस हैं इंटरसेक्शन कर्व इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं प्रोजेक्ट एंड ऑल तो सारे ऑप्शंस हम कल के सेशन में कंडक्ट करेंगे